अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारा सेकंड डे मुल्तान में, जो कि आपने लास्ट लोग में देखा कि हम लोग सुबह नाश्ता करने के लिए गए थे हलवा पूरी का, और उसके बाद घर आई, घर आते ही मैंने अपना ड्रेस चेंज किया क्योंकि मुझे आज करना था किचन का बहुत सारा काम, क्योंकि हम लोगों ने आज निकल जाना है शाम को। तो फिर आपको पता है कि किचन में मतलब हर चीज़ देखनी थी, हेल्पर्स तो अपनी तरफ सफाई करके चली गई थी, लेकिन जो आप खुद देखते हो कि खाने पीने वाली चीज़ या ये वो ना यहाँ पर रहे। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही किंकर में मौसम फिर भी बहुत अच्छा है, मुल्तान का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो पसीने तो खुश्क ही नहीं हो रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो वाकई में भाई मुल्तान की गर्मी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बस अल्लाह ताला रहम करे। जो है ना वो हम लोग नाश्ता करने जाते हैं, तो अभी आसिफ साहब ये देखें खिदमतें कर रहे हैं माशाल्लाह मेरी, उनको पता है अभी भी गर्मी में खड़ी हुई तो पानी लेकर आऊँ। अच्छा, तो फिर अभी जो है ना, मैंने कहा कि आज नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आ गए थे, मैंने कहा किचन जो है ना वो थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ क्योंकि आज हमने चले जाना है। तो कल जो है वो हेल्पर्स आई हुई थी, उन्होंने सारी सफाई खाना छाना बनाया, और आपको पता है कि हेल्पर्स तो फिर अपने तरीके से काम करती हैं, तो मुझे ये पता है कि मैंने ये दरवाज़ा बंद करके जाना है। तो फिर हम लोगों ने अपने तरीके से इसको अच्छे से साफ़ करके हर चीज़ देकर, और जो डिनर सेट के बर्तन निकाले थे कल खाने के लिए वो भी सारे वापस रख के हर चीज़ डन करके ना, तो फिर ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भी ये काम हो गए। तो चलिए बस अब पानी का गिलास पीती हूँ, फिर उसके बाद किचन में चलते हैं और चल के जो है ना इसकी फटाफट से सफाई कर। अभी देखें हवा चल रही है, यहाँ पे पौधे आपको हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हवा के साथ साथ जो हीट है मैं वो आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ भी। तो चलें, लेकिन बारिशों की वजह से काफ़ी यहाँ पे हरियाली हुई हुई है, घास देखें कितना अच्छा हुआ है, लेकिन अब इसकी कटिंग भी करवानी है, अब इतने दिन तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए बाद में ही करवाएँगे आसिफ। तो जी चलिए अपना काम अब शुरू करते हैं। तो हस्बैंड मेरी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, काफ़ी हर काम में माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाते हैं। अभी वो साथ लग गए थे, मैं उनको जो जो चीज़ें यहाँ पे मतलब खाने पीने वाली थी जो हमें किचन में नहीं छोड़नी थी, मैं उनको अलग कर करके साफ़ करके दे रही थी कि ये आप शॉपर में डाल के रखते जाएँ, और बाकी जो बर्तन थे सारे जो कि धुलने वाले थे वो सिंक में इकट्ठे कर रही थी, और जो धुले हुए थे उनको ऊपर स्टैंड में कर रही थी, और इस तरह से सारी जगह खाली करके, और नीचे के जब मैंने कैबिनेट्स खोले वो भी इतने गंदे हुए हुए थे। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हम कब आए थे, मुझे पूरा साल हो गया, जून जुलाई में ही लास्ट टाइम मैं मुल्तान गई थी, और अब जो है फिर से जून जुलाई में ही वहां पे मतलब जुलाई में अगस्त में आई हूँ, ठीक है, मतलब वही साल ही हो गया था। लास्ट टाइम भी हम लोग जुलाई और अगस्त में वापस आए थे, तो अब भी जो है ना सेम उन्हीं दिनों में मैं मुल्तान थी, और जब कैबिनेट्स खोले तो इतने नीचे से गंदे थे कि बस अल्लाह ही रहम करे। फिर वो फटाफट से मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर ही वो चीज़ें निकाल कर झाड़ू लगा रहे थे, और मैं चीज़ें वापस सेट कर रही थी, और इस तरह से फिर ये जो कप ग्लास है ना, मैंने सोचा कि सारे इस बकेट में रख देती हूँ, एक तो सेव हो जाएंगे, दूसरा जो है ना फिर टेंशन नहीं होती कि हाँ छिपकलियाँ वगैरह घूम रही होती हैं या कोई भी इस तरह से चीज़ होती है ना, तो उससे ज़रा थोड़े से सेव। मेरे पास यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे ना, यकीन करें, बहुत सारे ग्लास थे, कप थे, प्लेटें थी, चम्मच थे, मतलब बहुत सारा सामान मैंने यहाँ पे भेजा हुआ था, और आप सबको पता ही जो मेरे पुराने व्यूवर्स मुझे देखते हैं कि कराची से काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर भेज रही थी, और अब ना किचन बिल्कुल हाली हाली सा लग रहा था, जैसे बर्तन जो है ना वो है ही नहीं इधर, लेकिन जाहिर सी बात है जो पड़े हुए हैं वो पड़े हैं, कुछ टूट जाते हैं बर्तन, तो बस उन सारे को मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने रखने का मकसद यही होता है कि अचानक से कोई आ जाए, मैंने एक डिनर सेट भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मतलब मुझे बर्तनों का कोई टेंशन ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो मैं यही सोचती हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें, आपको पता है ये तो औरत में जो घर गृहस्थी है वो होनी चाहिए, चाहे जहाँ भी जाए उसको ना हर जगह पर मतलब किसी भी जगह पर चली जाए ना, तो औरत को अपना घर वहाँ पर बात कर लेना चाहिए। तो ये औरतें हैं जो कि घर के बारे में देखती हैं, सोचती हैं, उसको बनाती भी हैं, और उसको समझ लेके बिल्कुल बंजर भी कर देती हैं, तो यही चीज़ होती है। बस मुझे बड़ा शौक है, बचपन से ही बड़ा शौक है मुझे अपने घर गृहस्थी का और घर के काम का, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है कि वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक में रह के हर चीज़ करता है, तो अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें हैं, दुआएं हैं कि अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह जब बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो दिया हुआ है बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तो छत भी नहीं होती है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ों से नवाजा हुआ है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ नहीं भी है, चाहे आपके पास कुछ है भी, तो आपको सिर्फ इसमें अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। यकीन करेंगे ये सब चीज़ें मेरे ना अंदर ना अम्मी की तरफ से आई हुई हैं, कि अम्मी भी ना अभी तो बेचारी जो है ना वो उम्र के साथ साथ आपको पता है कि इंसान ज़रा रह जाता है, वरना फिर मेरी अम्मी के अंदर बड़ी आदत थी हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके अपनी जगह पर रखना, हर वक्त घर को ऑर्गेनाइज, इवन एक पत्ता भी गिरता था ना हमारे लॉन में तो अम्मी वो पत्ता भी उठाने के लिए अंदर से जाती थी कि वो पत्ता क्यों गिरा है, मतलब इतनी सफाई करती थी अम्मी। और पसीने से ज़रा हालत चेक करें कैसी बुरी हुई हुई है। चले अभी ऊपर लेकर चलती हूँ आप लोगों को, थोड़ा एसी भी पैक कर लेते हैं और छत से आपको विजिट भी कराती हूँ। जा रहे हैं ऊपर, एक तो एसी पैक करने के लिए, दूसरा बादल देखने के लिए जो इतनी आवाज़।
धूप और वो सामने आ रहे हैं काले काले बादल। ओ माय गॉड, अल्लाह जी गर्मी। वो देखे माशाल्लाह कितने सारे जानवर आए यहाँ से, तो माशाल्लाह कितने सारे जानवर हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा फार्म बेचारा अभी फ़िलहाल हाल ही बड़ा हुआ है। दुआएं करें इस फार्म के लिए, बस किसी की बुरी नज़र ही लग गई इस फार्म को। मैं कहती हूँ कि बहुत ही बुरे हालात हो गए इस फार्म के। तो चलिए जी, आसिफ साहब ने यहाँ पे एसी को कवर कर दिया ऊपर से ही, बस मेरे ख्याल में साइडों से नहीं होगा कुछ भी। नहीं, ठीक है, चले जी। वो उधर भी जानवर बैठे हुए इस जगह पे, और ये इधर से भी जा रहे हैं माशाल्लाह। मेरी जान, आपको गर्मी में पहले ही आपकी हालत बदतर हुई हुई है। चलो चलो, यहाँ पे काले काले बादल है। मेरे ख्याल में हमारे जाने के बाद बरसे हैं ना आपसे, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। मुलाकात तो हो गई। अच्छा जी, एक ये हमारे घर फार्म के साथ घर का जो है ना, वो माशाल्लाह जी न्यू घर बन रहे, जो कि हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे कि यहाँ पे और घर बनते जाएँ, रौनक हो जाए यहाँ पे। अच्छा, वो पीछे जो है ना, इस साइड पे गांव है सारा, ये हाँ। ये सारा पीछे, ये मतलब आप देखें ज़्यादा दूर नहीं है, ये सारा गांव है। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत सुनसान जगह, सुनसान ही। इस साइड पे भी गांव है और इस साइड पे भी वो देखें घर बने हुए हैं वो सामने। ये अपनी छत है ये वाली, और ये जो है ना पीछे गाँव, ये सारा, ये एक दो घर नहीं है, ये बहुत पीछे तक जो है ना वो घर है। अच्छा, दूसरा जो है इधर से इधर आ जाए, ये पीछे फैक्ट्री बनी हुई है साइड पे कहीं, है ना, इधर कहीं ये घर है। ये घर है, सारे घर हैं ये इस साइड पे देखें, ये मोटरवे की उस साइड पे, ठीक है, है यहाँ पे। हाँ ये देखें, ये इस साइड पे सारा गांव है, ये इधर। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ फटाफट से, अपना जो मतलब किचन का काम शाम समेटने के बाद सारी पैकिंग कर ली थी। उसके बाद अब मैं वही वाला सूट पहन लिया, थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मैंने मेकअप कर लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है अपनी नंद के घर में, फिर नंद के घर से जो है ना हम लोगों को आगे जाना था, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो है ना वो इतना मेकअप थोड़ा सा करना पड़ा है। अदरवाइज आपको पता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो मैं सिंपल सा बस सन ब्लॉक वगैरह लगा कर तो रेडी हो जाती हूँ। तो चलिए एक दफ़ा ड्रेस आपने वैसे देखा हुआ, फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मेरा ये ड्रेस जो है ऑरेंज कलर का है, साथ में मैंने इसके इस तरह की ना ये लगवाई थी। ये ले मोहम्मद आगे आगे मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखें, ये सिल्क का कपड़ा लेके ना इसके ऊपर ये धनक मिलती है, वो लगवाइए तो। अच्छा, वैसे जितने भी मैंने ड्रेसेस यहाँ पे पहने हैं ना, तो आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछ भी रहे होते हैं ड्रेसेस के बारे में, तो पूरी डिटेल से वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, जब मैं लेकर आई थी, कितने के लेकर आई थी और किस किस ब्रांड के ये ड्रेसेस हैं, वो सब मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप लोग जिन्होंने देखना तो वो वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस बंदा भूल जाता है यार। बादल भी जो है वो आसमान पे आ चुके हुए हैं। अब मुझे, मैंने कहा था ना जब हमने निकलने लगना है ना, तो फिर ही जो है ना ये बारिश शुरू होनी है। अभी तो फिलहाल शुरू नहीं हुई है, लेकिन बादल जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आए हैं यार। हम लोग दो दिन मतलब कल आए थे और आज वापस जा रहे हैं, मौसम इतना गर्म था जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और आज जो है ना वो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो माइक तो मेरे पास नहीं था, तो थोड़ा सा ज़रा वॉइस का मसला हो रहा था, मैंने कहा कि वॉइस ओवर में बोल देती हूँ। बड़ी गरीब सी ब्लॉगर है आपकी बहन, मोबाइल भी थका हुआ रखा हुआ है और माइक भी नहीं है मेरे पास। तो है यहाँ पे मैं आपको फार्म दिखा रही हूँ कि इतनी बरसात मौसम है, बरसात का इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि जितनी बारिशों की वजह से नीचे घास कितनी ज़्यादा निकल आई, और उसके अलावा जो बांस लगाए हुए थे ना ज़मीन में, वहाँ पे पानी की वजह से वो जो पानी वहाँ चला जाता होगा नीचे से, बांस जो है वो गल चुके हैं और वो भी गिरने शुरू हो गए हैं। तो मतलब बहुत ही बुरे हालात थे इस फार्म के। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि किसी की कोई बुरी नज़र ही लग गई है इस फार्म को, बहुत ही हालात ख़राब हो रहे हैं। खैर, आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह पाक करेगा कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं में से किसी की दुआ कबूल हो जाए, और आप सबकी भी परेशानियां अल्लाह ताला दूर करे, और हमारे भी रिस्क में अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए बस अब निकलते हैं, और अब बस यहाँ फार्म को हम लोग अल्लाह हाफिज़ करके निकलेंगे बस। चले जी, तो अभी हम लोग जाने लगे हैं। वो आगे लड़का आसिफ जी, आगे
वो अभी बंद कर लेगा दरवाजा वगैरह, बस बारिश भी जो है वो शुरू हो चुकी है। देखें सामने से व्यू देखें आप, माशाल्लाह क्या फायदा हमारे जाने के बाद बारिश क्यों, बाहर ठंडी हवा, ये देखो बारिश के निशान। बारिश का ये जो साउंड होता है ना, ये किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अक्सर जगहों पे जहाँ बारिश नहीं होती, गर्मी हो रही होती है, तो बारिश की आवाज़ सुन के भी यकीन करें कितना सुकून मिल रहा होता है। और नीचे से मट्टी ऐसे उड़ी थी जैसे धुआं होता है। माशाल्लाह आप लोग चेक करें कि कितनी अच्छी बारिश जो है वो शुरू हो गई है, और मुझे यकीन करें इतना दुख हो रहा है कि मेरे निकलने के बाद ही बारिश क्यों होती है आज। सियालकोट से निकली थी जब भी बारिश हुई थी, अब यहाँ से निकल रही तो अब भी बारिश हो रही है। यार मैं चाह रही थी कि मेरे होते हुए बारिश होती, इतना गर्म मौसम था यहाँ का, इतना गर्म मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी, और मेरे मोबाइल को आजकल पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल फोकस सही से नहीं कर पाता है। तो यहाँ से देखें तो बस ये फार्म को हम लोगों ने कर दिया अल्लाह हाफिज़, और मोहम्मद को सोया भी को उठाया हम लोगों ने अपने साथ, अभी सो रहा था, ये बहुत ही गहरी नींद। जी बेटा है भैया, भैया पास जा रहे हैं, भैया पास। कल जो है वो मुझे फहमीद अनिसा के अभी कमेंट आया था कि उन्होंने, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप दिखाएंगी जब मोहम्मद जो है अपने भाइयों को देखेगा, और भाई मोहम्मद को देख के जो उनका एक रिएक्शन होगा तो वो बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए। तो आपने अभी से देख लिया कि मोहम्मद गाड़ी में बैठ के याद कर रहा है अपने भैया को, भैया भैया कर रहा था। और यहाँ से पास ही जो है वो नहर गुजरती है, तो आज ही कह रहे थे वो नहर दिखाएं, मैंने कहा सही से नज़र नहीं आ रही बारिश की वजह से ना। तो मेरी जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, आप लोगों में से मुल्तान किस किस ने देखा और किस किस ने नहीं देखा कमेंट करके ज़रूर बताना। हर शहर पाकिस्तान का मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत है, चाहे वो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, सियालकोट है, या कोई भी शहर है, सारी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे वो जगह ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो और साफ़ सुथरे रोड्स हों, खुले खुले बड़े बड़े से रोड्स हों, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह मुल्तान भी जो है ना वो अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर हम लोग निकले थे, और निकलते ही निकलते हम लोग पहुँच गए घंटाघर के पास। ये मुल्तान का घंटाघर है जो आप देख रहे हैं, और इसी के सामने जो है वो दरबार है, और दरबार के साथ ही जो है वो नवीद बिरयानी है, नवीद चिकन बिरयानी। ठीक है, तो वो पुलाव, लेकिन बाहर जो लिखा होता है ना वो नवीद चिकन बिरयानी होता है। तो चले जल्दी से हम ऑर्डर करते हैं। ये आ गया जी हमारा नवीद चिकन बिरयानी, बिल्कुल सामने ही है इसके ना। तो अच्छा, इनका ना थोड़ी सी अब चेंजिंग हुई है, वो मैं भी आ गया आपको बताती हूँ कि क्या चेंजिंग की है। पहले हम ऑर्डर दे लेते हैं जल्दी से। ऑर्डर जो है वो आसिफ ने दे दिया था, और इनकी जो चेंजिंग है वो ये आई थी कि अब ये खाना देने से पहले जो है वो पैसे ले लेते हैं, क्योंकि आसिफ ने बताया कि कुछ लोग ऐसे करते होंगे कि बाहर गाड़ी में खाना खाया, वहीं से निकल के पैसे वो पे नहीं करते होंगे, जिस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की है। तो वाकई में ये बात अच्छी नहीं है। ये देखो नवीन पुलाव यार, इनको बोटी से चेंज करें आसिफ। हां बेटा, जी बेटा आपको। असल में मैं ना चिकन में जो पीस खाती हूँ ना, वो खाती हूँ बोनलेस वाला, तो मुझे हड्डी वाली बोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैंने प्लेट में देखी कि मेरे प्लेट में जो है वो हड्डी वाली बोटी आई, तो मैंने आसिफ को बोला आसिफ प्लीज़ चेंज करवा दे। तो मेरे ये शुरू से ही है, बचपन से ही है, मुझे ना कभी भी हड्डी वाली बोटी जो है वो पसंद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों मुझे उसमें से स्मेल आती है, तो इसलिए मैं बोनलेस ही जो है ना वो खाती हूँ। जी मैंने अपनी प्लेट वापस भेज दी थी, क्योंकि मुझे बोटी वो वाली नहीं खानी थी, तो अभी मैंने बोनलेस बोटी मंगवाई अपने लिए। वो हड्डी वाली बोटी ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो चलिए अभी खाते हैं फिर आपको ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो है जी रायता और सलाद भी है जी। खाना भी हम लोगों ने खा लिया यहाँ पे, बहुत ही मज़े का था नवीद पुलाव, और ऊपर से मौसम हो थोड़ा ठंडा ठंडा सा, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ये ऊपर लिखा हुआ है जी नवीद चिकन बिरयानी एंड आगे क्या लिखा हुआ है, चिकन ब्रोस्ट। हर रिश्ता जो है ना वो अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, चाहे वो माँ बाप हो, बहन भाई हो, या हस्बैंड हो, या औलाद हो। तो मेरे शोहर जो है वो माशाल्लाह से, मैं कल से आई हुई हूँ, तो उनकी पूरी कोशिश है कि नौरीन को जो है ना वो मैं यहाँ की वो चीज़ें जो वो पसंद करती है खाती है, तो उसको मैं खिलाऊँ। वो ना ऐसा ना हो कि मैं हम लोग यहाँ से चले जाएँ और नौरीन जो है वो बिरयानी ना खा सके यहाँ पे नवीद की जो पुलाव होता है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि नौरीन को चिकन टिक्का बड़ा पसंद है, जो कि मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी मैं खा के गई थी, और फिर कराची जाके भी हम लोग इसको याद करते रहे, तो वो भी उन्होंने मुझे खिलाया, हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया। तो मतलब मैं ये जब चीज़ें सोच रही थी, मुझे बल्कि कल किसी का कमेंट भी आया, तो यकीन करें कि ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है हर चीज़ बताएं तो फिर ये आपको पता चलता है कि आप किसी की तारीफ़ करते हैं या नहीं, आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इनकी भी तारीफ़ किया करें, या अपने ससुराल वालों की भी जो है ना वो तारीफ़ किया करें। तो देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं तारीफ़ पहले भी बहुत करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है, केयरिंग है, अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचा के रखे, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। और आसिफ तो जो है ना वो अब इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जब भी मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए जाऊँ, 15 दिन के लिए जाऊँ, जितने दिन के लिए भी जाऊँ, वो पीछे से मेरे बच्चों
बच्चों को ध्यान रखते हैं, घर को देखते हैं, वो कहते हैं तुम आराम से रहो, तुम्हें पीछे की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आप सबको पता ही है, तो मतलब इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ये तो आप खुद भी सब समझदार हैं जी। वो पहना दिए मैंने, मोहम्मद आज नीचे देखो कहाँ खड़े हुए आज। नहीं मैंने मोबाइल ले लिया अपना। तो ये जो मेरे साथ जा रहे हैं ना भाई, ये जो हैं वो आसिफ के दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। मतलब इतने कोई जोली किस्म के इंसान हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हैं, हंसते खेलते, और अल्लाह ताला इनको नज़रबंद से बचाए। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो केयरिंग भी हैं, तो बस इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात आसान करे, परेशानियां दूर करे। तो ये इन्हीं की गाड़ी पे जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर जो एक दो दिन रहे वो घूमे फिरे, फिर आज ये अपनी गाड़ी लेके वापस चले जाएंगे और हम यहाँ से कराची वापस चले जाएंगे। तो ये जो बस है ना ये आदिल शाह है, और इसका मतलब आसिफ को जो है ना इसका सफ़र वो बहुत ही पसंद है। लास्ट टाइम जो इन्होंने मेरे साथ किया था वो ये किया था कि मेरा जो बैग था ना वो नीचे जहाँ सामान रखा हुआ था वहाँ पर बैटरी के पानी की वजह से सारा बैग हमारा ख़राब हो गया, मेरे सारे ड्रेसेस ख़राब हो गए। तो मैं कह रही थी अल्लाह ना करे कि आज अब फिर से दोबारा से वो, लेकिन इनका ये है कि भाई ये माशाल्लाह से बिल्कुल टाइम से जो है ना वो अपना सफ़र जो है वो तय कर लेते हैं। और इनकी बस में थोड़ी सी चेंजिंग आई थी, वो ये कि हर सीट के पीछे इन्होंने ये देखें ये चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंजिंग आई थी, क्योंकि पहले भी हम लोग सफ़र करते आगे आगे मैं आपको वो बताती जाती हूँ क्या चेंजिंग है। यहाँ पर मोहम्मद को तो लगा दिया था तोता भाई, यहाँ से कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने इस बच्चे को वहाँ पर इतने दिन संभाला है। यकीन करें कि इतना तंग करता है गाड़ी में बैठते हुए, वैसे अकेला क्योंकि वहाँ भाइयों में रहते हैं ना, तो हर वक्त वहाँ खेलता खुलता रहता था। अब यहाँ पे जब से आया तो इसको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है क्या मसला है भाई, बहुत इसने तंग किया था। अच्छा ये हर अलग अलग कंपनी की बस जा रही थी, मैंने कहा कि वो आपके साथ राजपूत ट्रैवल हो गया या फैसल मूवर्स हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बसेस थी ना वो जा रही थी, तो मैंने कहा कि वो आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ। तो इस तरह की बसेज़ में सीट्स भी बड़ी कम्फर्टेबल होती है, तो मतलब ईजिली बंदा सफ़र कर लेता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना इनकी वो ये है कि भाई ये ना बिल्कुल टाइम पर जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, ज़्यादा इनके कोई स्टॉप नहीं होते। अगर आप ट्रेन में बैठ जाना तो वही ये ट्रेन जो है ना पूरा दिन का सफ़र ले जाएगी, मतलब इतना लंबा वो खींच देगी। तो बस अब मुल्तान से हम लोग निकल रहे थे, और भाई शुक्र है अल्लाह का कि है हैरियत से हम लोग सियालकोट से मुल्तान पहुँचे, मुल्तान में भी दो दिन गुजर गए। अब यहाँ से हम लोग वापस अपने बच्चों की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि चलो जाकर अपने बच्चों से मिलूंगी, अपने घर को देखूंगी, अपने रूम को देखूंगी भाई, जो मैं उसको सेट करने में लगी हुई थी अभी बीच में ही छोड़कर जो है ना वो मैं फिर चली गई थी वहाँ पे। तो अब जाकर वापस से अपनी तैयारियाँ जो है वो सारी शुरू करनी है। अच्छा यहाँ पे एक और चेंजिंग आई, वो ये कि इन्होंने ये जो बैग्स हैं ना वो दिए थे हमें कि भाई अल्लाह ना करे अगर किसी को वॉमिट होती है तो ये बैग यूज़ करें। तो पहले ये नहीं था, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इन बसेज़ में जो है ना वो सफ़र किया है। तो अब जो है ना उन्होंने ये चेंजिंग की है कि जैसे ही बस चलना शुरू हुई है तो जितने पैसेंजर वगैरह बैठे हुए थे सबको उन्होंने दो दो जो है ना वो बैग दे दिए थे। थोड़ी ही देर बाद फिर उन्होंने ठंडा ठंडा सा पानी पिलाया, बड़ा ही मज़ेदार सा। तो बस हम लोग वो पानी पियेंगे, उसके बाद फिर आप चाहे तो सो जाएं, चाहे तो आप जो है वो अपना मोबाइल यूज़ करें, या फिर आप अपने बातें शातें करते हुए अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, अब्बू के साथ, जो भी आपके साथ सफ़र कर रहा है वो बातें शातें करते हुए अपना सफ़र गुजारें। और फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे रोड़ी था आई थिंक या सखर था, पता नहीं कहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पे बस रुकी थोड़ी देर में, 5 मिनट नीचे गई थी ज़रा राउंड लगा के, फिर मैं आ गई थी ऊपर और आसिफ चले गए थे नीचे। तो बस अब थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होने के बाद सारे जो है ना बस पूरी खाली हो गई थी, सारे लोग बाहर चले गए थे और मैं मोहम्मद को लेकर इधर ही बैठी हुई थी, क्योंकि आसिफ चले गए थे वाशरूम में और मैं फिर बाहर किसके साथ खड़ी होती, मोहम्मद ने तो तंग कर देना था, तो फिर मैं बस में ही बैठी रही। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम इधर ही बैठते हैं, बस अब कराची ही जाके हम लोग ना नीचे उतरेंगे। और अभी है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह के टाइम पर हम लोग कराची पहुँच थे, बस अब थोड़ी ही देर बाद उतरने वाले हैं। और ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैक्सिमम व्लॉग कितने मिनट्स का होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना, कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग उतने ही मिनट का रखा करूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।